ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो मध्य प्रदेश के हालात हैं चल रहे हैं, 1.5 साल से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 15 साल बाद जो कांग्रेस की सरकार आई थी वो श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से आई थी, और सिंधिया जी को सारे नेताओं ने जो नजरअंदाज किया था उनकी बिल्कुल किसी प्रकार की कई मानते नहीं थे, और बाकी के सिंधिया जी के जो समर्थक थे, चाहे हमारे सम्माननीय मंत्री जी हों चाहे हमारे सम्माननीय विधायक जी हों, किसी की किसी प्रकार से कोई नहीं मानते थे, और वो ये मध्य प्रदेश में दिखाना चाहते थे कि मध्य प्रदेश के जितने सिंधिया जी के समर्थक हैं उनको बिल्कुल कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं भी अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैंने अपने क्षेत्र के जनता के लिए कई मांगे रखी थी और मांग रहा था, तो उनका कहना था देख लेंगे कर लेंगे, पर कोई एक भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का कोई समाधान नहीं किया। और मैंने श्रीमान सिंधिया जी से आग्रह किया था कि इस तरह की जो हालातें बन रही हैं महाराज साहब कोई डिसीजन लो, और जो महाराज ने डिसीजन लिया है मैं महाराज साहब के साथ हूँ, मैंने अपनी स्वेच्छा के साथ ये इस्तीफा दिया है और मैं हमेशा महाराज के साथ रहूंगा, महाराज के समर्पित हूँ, ये मैं वादा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।